कोलकाता के मशहूर और विशेषज्ञ डॉक्टर आपके लिए अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, पार्क सर्कस के मशहूर क्वेस्ट मॉल के पिछले गेट नंबर 4 के पास HM हेल्थ केयर द्वारा एक बार फिर आयोजित हो रहा है मेडिकल एंड डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप 15 से 18 अगस्त सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। इस कैंप में आप फ्री में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, शुगर और BMD स्कैन, फ्री बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, नर्व डैमेज स्क्रीनिंग, साथ ही ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन, ECG, एको और USG पर 50% तक छूट दी जाएगी। डेंटल, स्किन, हेयर, गाइन, ENT और सर्जरी पर भी विशेष छूट उपलब्ध होगी। इस मेडिकल कैंप में आप डेंटल, न्यूरो, ऑर्थो और स्पाइन, फिजियोथेरेपी, ENT, हेड एंड नेक, स्किन केयर, हेयर और लेजर, मोटापे, गाइन, पीडियाट्रिक्स, कैंसर स्क्रीनिंग जैसी जांच करवा सकते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाएं और आज ही रजिस्टर करें 9163192292। ये हमारा सेंटर ने एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा है जिसमें मेन पर्पस है लोगों को एक तो अवेयर करना, और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आम पब्लिक को पता नहीं चलते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा हमारे क्लिनिक के पेशेंट्स आते हैं 3rd stage 4th stage में आते हैं क्योंकि उन्हें सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं। देखिए, फीमेल पेशेंट जैसे होती हैं उनमें दो कैंसर बहुत कॉमन है, एक है आपका ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है प्रॉब्लम कि जो गांठ गिलती जिसे हम लंप बोलते हैं वो यूजली पेनलेस होता है, मतलब उसमें दर्द नहीं होता है, तो कई बार फीमेल्स को पता ही नहीं चलता है लंप के बारे में। ठीक है, तो अगर एक बार आके वो यहाँ अपना स्क्रीनिंग कराएंगे जिसमें हम एग्जामिन एक बार करेंगे उनको अच्छे से कि कहीं कोई लंप तो नहीं है, साथ साथ में कुछ टेस्ट करवाएंगे जिसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ब्रेस्ट का और साथ साथ में जो आपके एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे ब्रेस्ट का साथ साथ में बगल के एरिया का जहाँ पे गिल्टियाँ होने के चांसेस होती हैं, अंडर आर्म एरिया बेसिकली, राइट। तो ये हो गया हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, और साथ साथ में फीमेल्स जो ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें महीने के अलावा भी ब्लीडिंग बीच बीच में आती है, जिन्हें कमर में दर्द होता है और वो दर्द जो है वो दोनों पैर की तरफ जाता है, इन फीमेल्स में यूजुअली सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आइडियली ये होता है कि हर फीमेल को हर 3 साल में एक बार एक पैप स्मेयर कराना चाहिए, जो कि कोई दर्द नहीं होता उस टेस्ट में, सिंपल से एक टेस्ट होता है, मुश्किल से 1 मिनट लगता है और उसमें हमें पता चल जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को। साथ साथ में एक HPV एग्जामिनेशन हम लोग कराते हैं जो एटलीस्ट 5 साल में एक बार हर फीमेल को, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, 21 साल से ज़्यादा आपकी एज है तो करवाना चाहिए। ये दो कॉमन कैंसर जो हम फीमेल्स में देखते हैं। साथ साथ में अगर आप मेल पेशेंट हैं, आपको खैनी, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी इस तरह की चीज़ों का सेवन करने की आदत है, अगर आपका मुंह 3 उंगली से ज़्यादा नहीं खुलता है, या अगर आप एक बार आप शीशे के सामने खुद खड़े होकर अपना मुंह खोल के देखें, अगर आप देखते हैं कि कोई भी सफ़ेद लाइन जैसी बन रही है अंदर मुँह में, तो तुरंत एक बार स्क्रीनिंग ज़रूर से कराइए। हो सकता है कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, ट्रीटमेंट हम जल्दी स्टार्ट कर दें और वो डिजीज़ आगे फैलने से रुक जाए। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप पेशेंट डॉक्टर के पास आप लेट पहुंचते तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर आप शुरू में पहुंचेंगे तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सर्जरी है, केमोथेरेपी है, रेडिएशन है। आप जितना लेट कीजिएगा कैंसर सेल उतना डिवाइड करेगी, उतना बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैलेगी। जैसे कि मैंने आपको ओरल कैंसर, मुँह का कैंसर के बारे में बताया, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि मुँह का कैंसर फेफड़ों की तरफ फैल जाता है, उस वक्त फिर हम स्टेजेस हमारे आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अकलमंदी यही है कि एक बार स्क्रीनिंग कराएं और अपना इनिशियल स्टेज में अगर डिजीज पकड़ा जाती है तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। साथ साथ में अगर आप देखते हैं कि आपको रेगुलर ढकार आती रहती है, आप गैस की दवाई ले रहे हैं पर उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, हो सकता है ये इसोफेजियल कैंसर हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, तो प्लीज़ उसके लिए आके यहाँ पे एक एंडोस्कोपी ज़रूर से कराएं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जापान में देखा गया था कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है, वो स्मोकिंग बहुत करते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे देखा गया कि लोग गैस की दवाई बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसोफेजियल कैंसर्स के बहुत, स्टमक कैंसर्स के केसेस बहुत आने लगे। तो गवर्नमेंट ने वहाँ रूल बना दिया है कि अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा गैस की दवाई खाते हैं और आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको तुरंत एक एंडोस्कोपी कराना है। उससे क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में बीमारी पता चल जाती है। हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि प्लीज़ काइंडली खुद को सेल्फ मेडिकेट मत किया कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट थी, उनकी कंप्लेन ये थी कि उन्हें हमेशा कमज़ोरी रहती थी।
तो उन्होंने डॉक्टर के पास पहले ना आके वो फार्मेसी में गई, तो फार्मासिस्ट उनको बोला कि एक काम कीजिए, हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवा के देख लीजिए। उन्होंने हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया जो कि सच में कम आया, 6 ग्राम पर डीएल, जो कि बहुत कम होता है। उस वजह से फार्मासिस्ट ने उन्हें एक आयरन टैबलेट दे दी। 1 महीने तक वो खाती रही, तब भी उन्हें आराम नहीं हुआ और उनके पूरे बॉडी में रैशेज होने लगे। एक पर्टिकुलर टाइप का रैश होता है, इसमें आपके बैगनी कलर के रैशेज होते हैं जो कि अक्सर देखा जाता है जब प्लेटलेट आपका गिरता है। जब वो हमारे पास आई तो हमने उनका पूरा सीबीसी कराया और पता चला कि उनका हेमोग्लोबिन तो कम था, प्लेटलेट कम था, पर उनके जो वाइट ब्लड सेल्स थे वो 10 गुना बढ़े हुए थे, जो कि एक सिम्टम होता है ल्यूकेमिया का, यानी कि ब्लड कैंसर का। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस पेशेंट ने अपना टाइम वेस्ट करके, खुद को सेल्फ मेडिकेट करके अपनी डिजीज को आगे बढ़ा लिया। अगर वो स्टार्ट में पता चल जाता तो हमें स्टार्टिंग में एक सीबीसी सिंपल से टेस्ट से पता चल जाएगा कि ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है। तो इसलिए आप प्लीज आइए, इस कैंप को अटेंड कीजिए। सारे ब्लड टेस्ट आपके लिए 50% ऑफ पे है। बेसिक जितने हमारे ट्यूमर मार्कर्स है वो सारे हम आपके लिए कराएंगे, इमेजिंग कराएंगे, जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे कराएंगे। इट्स बेटर कि आप इनिशियली आ जाए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और अगर इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाए तो और बेहतर है आपके लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और आइए और एक बार अपना कैंसर स्क्रीनिंग करवाइए। ये 15 से 18 अगस्त तक है। आप सिंपल से एक हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कीजिए, एक टोकन नंबर आपको दे दिया जाएगा, वो आप ले लीजिए। एंड अच्छी बात ये है कि कुछ हमारे फ्री टेस्ट होने वाले हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, लिपिड प्रोफाइल, शुगर, बीएमडी स्कैन हो गए, कुछ बेबी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, नर्व डैमेज स्क्रीनिंग, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो नस के दर्द से परेशान होते हैं, उनके लिए भी हमने एक स्पेशल कैंप रखा है। यस, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो आपके लिए देखेंगे। अगर आपको नस का दर्द है उसके लिए आपके टेस्ट भी करवा देंगे। बहुत से ऐसे टेस्ट है जिसमें हम अप टू 50% ऑफ भी दे रहे हैं, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन, यूएसजी, ईसीजी, इको, और बहुत से ऐसे ब्लड टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है 50% ऑफ पे। एंड अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो उसको भी आप लेकर आ सकते हैं। अगर आपके कैंसर स्क्रीनिंग में कोई दिक्कत निकलती है तो हम आपके लिए केमोथेरेपी भी उस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। बहुत से ऑर्थो के ऐसे सर्जरीज हैं या आपके जनरल सर्जरीज है जो हम आपके इस कार्ड से आपका करवा सकते हैं। तो प्लीज अवेल कीजिए इस ऑफर को। चक्रवर्ती, ENT एवं हेड एंड नेक सर्जन, MS एवं इंग्लैंड থেকে FRCS, অ্যাটাচড আছি অফ কোর্স এই এট্রিয়াম হেলথ সেন্টারে অ্যালং উইথ আমি ক্যালকাটা হসপিটাল মানে আমাদের CMRI এবং আমার নিজস্ব হাসপাতাল আছে নবনীর হসপিটাল, ওটা হাওড়াতে। তো আপনাদের একটাই জিনিস বলতে চাই, আমাদের 15 অগস্ট এই এট্রিয়ামে একটা ভেরি নাইস হেলথ ক্যাম্প হবে। আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ENT এবং হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি, মানে নাক কান গলা এবং মাথার দিকের এই রোগ। তা আমার ক্যাম্পের টাইমিং হচ্ছে 16 অগস্ট ইভিনিংয়ে। তো আপনারা অবশ্যই আসবেন, এতে কনসালটেশন আমার ফ্রি অফ চার্জ আপনাদেরকে কনসালটেশন করা হবে। অ্যান্ড আদার চার্জেসও, অনেক টেস্টপত্রের চার্জেসও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো আপনাদের কোনো ENT প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আসবেন এবং আমাদের সঙ্গে কনসাল্ট করুন। ম্যাম, ডক্টর আরকম, ইহাঁ পে এটিএম হেলথ কেয়ার পে অ্যাজ আ ডেন্টিস্ট অ্যান্ড স্পেশালিস্ট ইন ইমপ্লান্টোলজিস্ট হু। হম ইহাঁ পে বহুত হি অ্যাডভান্স টেকনোলজি সে ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট করতে হ্যায়, ও ভি বহুত হি মিনিমাম প্রাইস মে। হামারে ইহাঁ সব 100% স্টাইলাইজেশন হতা হ্যায়, জহাঁ পে পেশেন্ট কে ইনফেকশন কে চান্স বহুত কম হতে হ্যায়। হামারে ইহাঁ জো টেকনোলজি হ্যায় শায়দ হি ও অভি কাহিন অ্যাভেলেবল হ্যায় কলকাতা মে, হম বহুত অ্যাডভান্স প্রসেস মে চল রহে হ্যায়, বাট এসা নহি হ্যায় কি হমনে প্রাইস আপনা বহুত হাই রাখা হো, বহুত লো লিমিট প্রাইস রাখা হ্যায়। ইভেন 15 অগস্ট টু 18 অগস্ট হম লোগ নে প্ল্যান কিয়া হ্যায় কি হম হেলথ ক্যাম্প কর রহে হ্যায়, জিসমে মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল সব ক্যাম্প হো রহে হ্যায়, जिसमें हम फ्री कंसल्टेशन करेंगे डेंटल के लिए एंड अप टू 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द ट्रीटमेंट्स, डिपेंडिंग कि क्या ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर्ड है। इवन मैं आपके अंदर अवेयरनेस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो आते किसी ट्रीटमेंट के लिए, बाद में उन्हें पता चलता है कि उनको ओरल कैंसर है। ये इसका रीज़न ये है कि वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट का जो कंज्यूम कर रहे हैं उस वजह से उनको हो रहा है, जो इनिशियल स्टेज में है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट वो जब डिले कर देते हैं तो बहुत सीवियर चला जाता है। इसलिए हम बहुत बेसिक ट्रीटमेंट से लेकर एक्सट्रीम ट्रीटमेंट तक सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे रखे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप आए हमारे क्लिनिक और एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराए, डेंटल चेकअप कराए, एंड आपको जैसा रिव्यू देना है वो उस हिसाब से आप दीजिए। आप अपने हिसाब से देखिए कि कैसा हमारा फैसिलिटी है। थैंक यू।